ये कैलिपर है, क्या हो रहा था ना, डिस्क ब्रेक जाम कर दे रहा था, तो इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या है ना, इसको लूज कर लेना है, और उससे पहले यहाँ पर लूज करके रेडी रखना है। उससे पहले हम यहाँ ऑयल भरेंगे। इसका दाम देख लीजिए, ये बजाज के कैलिपर है ओरिजिनल, ठीक है, ये 1238 रुपया है। पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। तो लगाने से पहले हम करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, ठीक है, ताकि तुरंत पंप हो जाए, आगे का प्रोसेस आसान हो जाए। इसीलिए यहाँ 0.4 हम यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, 0.34 जो आपके पास है। फिलहाल ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हम इसलिए इसी को यूज करेंगे। यहाँ से खोल लेना है, आसानी से खुल जाएगा आपका। यहाँ से आपको इस तरह फिट कर देना है, याद रहे इसको सीधा ही लगाइए, आराम से लगाइएगा, सीधा थ्रेड ही चढ़ेगा ये। इस तरह लगा देना है, उसका इसको टाइट कर देना है कंप्लीट, ठीक है। टाइट हो गया है, इसको पंप करना है। ये पंप करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑयल फिलअप करेंगे ऊपर में, ऑयल देख लेना है। ठीक है, ऑयल खाली भी है और कचरा भी है यहाँ पे, तो इसको क्लीन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। आगे फिलअप कर लेते हैं, और कवर लगा लेते हैं। देखिए ऑयल डाल दिए ऊपर, अब यहाँ से एयर थोड़ा निकलाएंगे, ठीक है, ये वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पकड़ रहा, ठीक है, ये और हार्ड हो जाएगा जब यहाँ से हम एयर को रिमूव करेंगे ना। इस तरह कर करके आपको देखिए हार्ड हो गया पूरा, ये जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं जाम, इसका डिस्प्ले ख़राब है, एक कस्टमर चेंज करवाएंगे, एडवांस जमा करेंगे तभी आएगा ये। चुका है, आइए ऊपर आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसका ब्रेक हार्ड हो चुका है, देखिए, ठीक है, जैसे घुमाएंगे देखिए वर्क करने के लिए पूरा रेडी हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह आप इसको फिट करके और पंप करके इसको वर्किंग में ला सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।